किसी भी नेता ने अगर मंदिर के नाम पर वोट मांगा तो जूता पड़ा मेरा उल्टा, जूता पड़ा मंदिर के नाम पर वोट मांगा तो धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। जनता जाग चुकी है, 9 साल में मंदिर में वोट नहीं पड़े हिंदू ने मुसलमान ने। ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री हमारा भगवान नहीं है, हमारा सेवक है, उसको हमारा जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट है ना, जितनी ताकत हो लगा ले, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, 1% बीजेपी नहीं आएगी। सड़क घोटाला, रेलवे घोटाला, शिक्षा घोटाला, GST लगाया, मैनिफेस्टो में ऐड किया हुआ था 370 हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये हल हुए हैं। अब इसके बाद क्या? 2014 में पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में बढ़ा के सीटें आई, और 2024 में एक्सपेक्टेड है गुजरात वाला ट्रेंड होगा। पब्लिक का तो यही चाहत है कि करप्शन बिल्कुल हटा नहीं है, और गरीबी और गरीब हो रहा है, एकदम बेरोजगारी तो सर छू के आसमान है एकदम। शरद पवार जिनको मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग, अब वो भी उनके दूल्हे राजा बन गए। 24 नॉट कम बैक नाउ बीजेपी गवर्नमेंट, हमें सरकार वो चाहिए। कारण कुछ बताइए। कारण ये महंगाई बेरोजगारी मेन फैक्टर पे इलेक्शन हुआ है, 1% भी महंगाई महंगाई बेरोजगारी की बात की, दो मिनट महंगाई बेरोजगारी 2024, अब मैं 2 मिनट बोलूंगा पूरा सुन लेना। 2024 में बीजेपी रिपीट करेगी, 30-40 साल बाद किसी सरकार को 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में मिला, और 2024 में मिलने जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि देश की जनता ने बीजेपी का काम पसंद किया, 9 साल के अंदर दोबारा लेके आ रही है। जैसी गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिली है, वैसी ऐतिहासिक 2024 में मिलने वाली है। 400+ NDA, और जब इंडिया इंडिया करते हैं, इंडिया गठबंधन कभी बना ही नहीं इनके। इन्होंने पर इन्होंने बात की महंगाई और बेरोजगारी के, दो मुद्दे बताए हैं भाई साहब, सुनिए। रोजगार तो इतना बड़ा है, रोजगार इतना बड़ा है भाई साहब, रोजगार तो बहुत बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां इतनी मिली हैं, ओला उबर ये रैपिडो, मतलब तरह तरह की नौकरियां जनरेट हुई हैं। अभी टाटा कंपनी को आईफोन बनाने का यहाँ पे ठेका मिला, उन्होंने खरीद लिया कल कंपनी, तो नौकरियां बहुत मिली है। महंगाई तो बढ़ेगी। बात कर लेते हैं जैसे कि मैनिफेस्टो की, बीजेपी की मैनिफेस्टो था, राम मंदिर मुद्दा था इनका, 370 मुद्दा था इनका, 3 तलाक मुद्दा था, इन्होंने मैनिफेस्टो लेकर आए थे, ये इन्होंने हल किया ये कहते हैं, पर अब मुद्दा क्या है? फिर मैं कह रहा हूँ, अब एक मिली चढ़ू ये जो मुद्दे इन्होंने पूरे कर भी दिए, इसका बेनिफिट किसी बताइए पब्लिक के में क्या हुआ? मैनिफेस्टो में लेकर आए थे ना, उन्होंने पूरा कर दिया, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, के बेस पर वोट मांग रहे हैं अब इनके पास। मैं कह रहा हूँ अब किसी भी नेता ने अगर मंदिर के नाम पर वोट मांगा तो जूता पड़ा मेरा उल्टा, जूता पड़ा मंदिर के नाम पर वोट मांगा तो धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। जनता जाग चुकी है, काम आप काम के नाम पर वोट मांगो, आप एजुकेशन के नाम पर वोट मांगो, रोजगार के नाम पर वोट मांगो, मांगो निकम्मी सरकार। वोट मांग रही है वो अपने काम के नाम पे मांग रही है। 9 साल में मंदिर पे वोट नहीं पड़े, 9 साल में मंदिर में वोट नहीं पड़े हिंदू ने मुसलमान ने क्रिश्चियन। मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में ऐड किया हुआ था 370 हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, या फिर 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये हल हुए हैं। अब इसके बाद क्या? इसके बाद भाई साहब बहुत डेवलपमेंट है, बहुत चोरी कर रखी है यूपीए गवर्नमेंट ने, 10 साल में जो इन्होंने करप्शन फैला रखा था, अभी भी दुकानें खोल रखी हैं करप्शन की, वो बंद करनी है, लोगों का भला करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, बहुत काम है। 2024 के बाद जब पूर्ण बहुमत में 400+ NDA आएगी, उसके बाद में पता लग जाएगा लोगों को, लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए 2024 में रिपीट करेगी बीजेपी। अच्छा लगता है करप्शन हटा है देश के अंदर? पब्लिक का तो देखो, पब्लिक का तो यही चाहत है कि करप्शन बिल्कुल हटा नहीं है, और गरीबी और गरीब हो रहा है, एकदम बेरोजगारी तो सर छू के आसमान है, एकदम सर से ऊपर गुजर रहा गरीबी, एकदम रोजगारी नहीं है, आदमी परेशान है, ठीक है ना। अब पता नहीं हर चीज में कुछ काम दिखता नहीं, आपको धरातल पर काम अभी तक तो नहीं दिखा, आगे अब आगे क्या दिखेगा, 15 साल होने वाला, अब क्या दिखेगा? इंसान का कोई फायदा हो, पब्लिक का कोई भला हो, ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक। मेरी बात सुन लीजिए, 19 में सरकार दोबारा आई, पर कुछ ना कुछ तो काम किया, और कुछ ना कुछ काम किया होगा तभी तो आए। आपको नहीं मालूम जब 19 का इलेक्शन हो रहा था तो पब्लिक बहुत नाराज था, फिर भी बहुमत में उसको आया। भाई साहब एक बात बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी जीत एक एक करके, एक एक करके 2014 में पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में बढ़ा के सीटें आई, और 2024 में एक्सपेक्टेड है गुजरात वाला ट्रेंड होगा, 400+ जाएगी NDA। मैं कह रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट है ना, जितनी ताकत हो लगा ले, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, 1% बीजेपी नहीं आएगी, 1% बीजेपी नहीं आएगी, 1% बीजेपी को, बीजेपी कह रहे ताकत लगा ले, बीजेपी को ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, जो 9 साल में काम किए हैं ना वो अपने आप जिता के लेके जाएंगे बीजेपी को। पूर्ण मोबाइल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या काम किया बता दो, नौ साल में क्या काम किया, क्या लगता है? कुछ काम नहीं किया बीजेपी, घोटाला किया, सड़क घोटाला, सुनो सड़क घोटाला,
रेलवे घोटाला, शिक्षा घोटाला, जीएसटी लगाया है, किसान का कर्ज माफ नहीं किया, उसके अंदर झूठा ही झूठा, सारे झूठ बोलते रहता है। 15 लाख देगा है, घोटाले अगर किए हैं तो कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा फिर? हाँ, अरे उसमें उसका पार्टी में जो आता है वो धुल जाता है, पूरा फ्रेश हो जाता है। यानी सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं कि कंट्रोल में उनके? भाई साहब देखिए, यूपीए वालों ने नाम बदल लिया बीएफको बनाने के लिए, लोगों को आईएनडीए कर लिया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जितने भी कांग्रेस और यूपीए के सपोर्टर हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर। अरे वो वॉशिंग पाउडर वो है जो करप्शन लोगों को, करप्ट लोगों को अंदर डाल रहा है और उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। उनकी दुकानें बंद करा दी करप्शन की, उनकी चोरी बंद कर दी, इसलिए मोदी गलत है। मोदी को वोट इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उसने पब्लिक के लिए काम किया, इसलिए पब्लिक वोट दे रही है। मोदी को वोट इसलिए पड़ने को काम किया है, मतलब है ना, जो करप्शन है वो हमारी सीबीआई को, ईडीए को, बीजेपी का नजर नहीं आता, सरकार के किसी मंत्री का नजर नहीं आता, वो सिर्फ नजर आता है तो विपक्ष का नजर आता है। शरद पवार जिनको मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग, अब वो भी उनके दूल्हे राजा बन गए। 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं बंद कर दिया मोदी को, क्यों नहीं बंद कर दिया अमित शाह को, क्यों नहीं बंद कर दिया आडवाणी को? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चोरी करने के अलावा। राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया बेचता हूँ 25 पैसे मिलते हैं लोगों को। सर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो हमारा जो मतलब सिस्टम है न्यायपालिका का, वो करप्ट है क्या? न्यायपालिका का सिस्टम हमारा करप्ट नहीं है, लेकिन उसमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। न्याय जल्दी मिलना चाहिए, केस जल्दी खत्म होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? जैसे आपने कहा ना, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई घोटाले हो रहे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी इनके थ्रू? देखिए कार्रवाई न्यायपालिका देता है सजा, केस सुनवाई और कार्रवाई करने के बाद, और हमारी जो संस्थाएं हैं वो उसको पहले ही फंसा देती हैं। तो इस टाइम बेजा इस्तेमाल भी सीबीआई का और ईडी का हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी न्यायपालिका ने भी कहा है कि पारदर्शिता होना चाहिए। और लोगों जा रहा है पब्लिक को, अब ये नज़र भी आ रहा है। एक मुद्दा और उठता है, अगर आज मान के चलिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो 10 साल पहले जो होता होगा पहले भी? देखिए मानते इस बात को, एक जो है, एक हमारे जो है वो चुनाव अधिकारी थे, सबसे बड़े जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था टीएन शेषन। ये वो थे जो उस टाइम भी सरकार, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कितने मंत्रियों को उन्होंने किसी गलती के ऊपर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया, इतनी पावर थी। आज संस्थाएं कमजोर हो गई, बीजेपी की गुलाम हो गई सारी संस्थाएं, कमजोर हो गई। भाई साहब ऐसा है, 2004 से 2014 तक इन्हीं की सरकार थी, मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल वाला प्रधानमंत्री बना रखा था, जितने बाहर से डेलीगेट जितने राजदूत आते थे सब जा रहे हैं। ये कह रहे हैं संस्थाएं पकड़ हो रही है, कमजोर हो रही है साहब, ये हो रहा है। जिन्होंने चोरी करी या दुकान खोल रखी थी, उनके शटर डाउन हो गए, तो अब इनको लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सदुपयोग हो रहा है। बिल्कुल ईडीआई सीबीआई सही कर रही है, तो 10 साल में इन्होंने करप्शन किया उसको उजागर कर रही है, तो गलत हो रहा है। मोदी काम कर रहा है तो गलत हो रहा है, ये अडानी नौकरी दे रहा है तो गलत हो रहा है। एक मिनट लिसन टू मी, आज से पहले कई लोगों ने तो पता है, कई लोगों ने तो यूपी गवर्नमेंट के आने से पहले ना, कई लोगों ने तो ईडी का नाम ही नहीं सुना होगा। आज ईडी इस तरीके से वर्क कर रही है जैसे कि पता नहीं क्या निकल गया है। ईडी को जानता था पहले, कोई नहीं जानता था, गरीब ईडी होते गए। आज ईडी भी इस तरीके से वर्क कर रही है जैसे कि पता नहीं सारी ईमानदारी से काम हो रहा है। अभी हालत ये है, कोई पत्रकार बीजेपी के खिलाफ बोलते, एक मिनट कोई पत्रकार बीजेपी के खिलाफ बोलते, अगर कोई नेता बीजेपी के विपक्ष का बोलते खिलाफ, उसके घर सीधा सीबीआई पहुंच जाता है। क्यों हो रहा है ये, कौन जवाब देगा इसका? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूपीए और आईएनडीए वालों ने जो नाम बदला है अपना, ये उन्हीं का कहना है कि सीबीआई पहुंच जाती है, ईडीआई पहुंच जाती है। अभी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन्होंने करप्शन किया है ना, कोर्ट में जाके नहीं बोलते मोदी ने बताया है, वहां पे बोलते मेरी आंख खराब हो गई है, मेरी बीवी बीमार है, मेरा कूलर टूट गया, ये हो गया वो हो गया। देखिए सारे करप्ट हैं सर, करप्ट लोगों पे ही कार्रवाई हो रही है और किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, उसमें अभी तक इनका दखल नहीं है। अगर ये 24 में आ गए, ये सुप्रीम कोर्ट को भी खा जाएंगे, इनसे खतरा है हमें लोकतंत्र। संजय आपको डर लग, आप कह रहे हो भी हमें डर, अभी अगर बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ सीबीआई बैठ जाती है वगैरह बैठ जाती है, जैसे आप अभी बोल रहे हो, तो आपको भी डर लग रहा होगा इसका मतलब? आपको लग रहा है? हमें बिल्कुल डर लग रहा है, हम लोकतंत्र बचाना है हमको। अच्छा लोकतंत्र बचाना है, ठीक है। एक मिनट आपको डर लग रहा है, आपको ये बताओ मोदी ने गलत क्या किया? कोई एक मिनट मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, आराम से सवाल पूछोगे, आराम से आप आंसर दे देना बस, ठीक है। आप ये बताओ, हम मोदी को नहीं लेते, ठीक है, मोदी को रखो साइड में, ठीक है, सबको साइड में रख दो, हम उसको राहुल को रख देते हैं, केजरीवाल को रख देते हैं, आप ये बोलो ये गलत हुआ है,
इसकी जगह ये होना चाहिए था, उंगली उठाने वाला। देखो इस दुनिया में ना, इस दुनिया में आप उंगली सब पे उठा सकते हो, लेकिन उसकी उसको ठीक कोई नहीं कर सकता। आप ठीक, आप आंसर दे, दिखाओ भाई कि इसकी जगह ये हो सकता था, क्या पता आपकी मोदी सुन ले ठीक कर दे उसके। देखो वो भी इंसान है ना, जवाब जवाब जवाब। राजशाही नहीं, सुनो ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री हमारा भगवान नहीं है, हमारा सेवक है, उसको हमारा जवाब देना पड़ेगा। उसने अगर झूठ बोला, और एक मिनट, अगर उनने सब झूठ बोला 15 लाख और रोजगार तो उसको देना चाहिए था, उसने झूठ क्यों बोला ये पूछा। जो आपने, जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दो ना, मैं बता रहा हूँ। आप उसकी गलती बताओ, गलती क्या है? ये नहीं मोदी गंदा, मोदी गंदा, मैं आपको कहूँ आप गंदा 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 गंदा, आप बोलो मेरी गंदगी क्या है उसमें। अरे चिल्लाने से नहीं होगा भाई, चिल्लाने से नहीं होगा।